हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट टू फिजिक्स की क्लास में मैं ब्रजेश सक्सेना आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूं हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जे प्लस जीरो अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, जिसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं या हिंदी में सांतत्य समीकरण कहते हैं। इसके लिए हमने एक मान लिया कि कोई कंडक्टर है जिसका सरफेस एरिया कैपिटल एस है, और ये जो सरफेस एरिया है वो एक वॉल्यूम बी से क्या है, कवर्ड है, ठीक है, यानी कि घेरा हुआ है। फिर हमने मान लिया कि सरफेस के एक अल्पांश, अल्पांश का मतलब होता है कोई छोटा सा हिस्सा का एरिया जो है वो ds है, जिसकी डायरेक्शन सरफेस पर खींचे गए एक्सटर्नल नॉर्मल के अनुदेश है। एक नॉर्मल खींचा गया है, इसके अनुदेश इसकी डायरेक्शन है। यदि ds के किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी j है, तब एरिया ds से घिरे वॉल्यूम से बहने वाली करंट। देखिए, करंट डेंसिटी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, j इक्वल आई अपॉन ए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर जितनी करंट होती है उसे हम करंट डेंसिटी j कहते हैं, और J इक्वल आई अपॉन ए इसका जो होता है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से धारा का मान यानी करंट का मान अगर हम निकालें, तो J इक्वल फॉर्मूला था I अपॉन A, तो यहां से I इक्वल क्या हो जाएगा, J इंटू A। तो यहां पर DI ओवर DI इक्वल क्या हो जाएगा, J डॉट DS। अगर हम I की वैल्यू फाइंड करें तो ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो I इक्वल हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल J डॉट DS। अगर हम ये मान लें कि जो इसमें करंट है वो स्थाई नहीं है, स्थाई नहीं है, इसका मतलब है वो कि समय के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है, रो से शो करते हैं, और क्यू बाय वी इसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इक्वल Q अपॉन V। तो यहां से Q इक्वल क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। इस फॉर्मूले से अगर हम इसको रखें तो Q इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डी वी। अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू और थ्री को देखें, तो यहां से Q की वैल्यू ये हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ गया माइनस का डी ओवर डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डी ओवर डी टी को इंटीग्रेशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। हमने क्या किया, इस डी ओवर डी टी को अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया हमारा डी रो अपॉन डी टी इंटू डी वी, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछली जो क्लासेस मैंने ली थी इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंट जे इंटू डी वी। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल रखा जा सकता है, तो हमने इसको और इसको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों साइड लगा है, dv दोनों साइड लगा है, तो जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो डाइवर्जेंस j की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी,
जीरो ओवर डीटी, वो भी किसका, माइनस का। इस माइनस जीरो ओवर डीटी को हम अगर उठाकर इधर ले आए तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट जे प्लस जीरो ओवर डीटी इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई हमारी सांतत्य समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर इस क्वेश्चन से कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।